वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मॉमीज और मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। नॉर्मल डिलीवरी कौन नहीं चाहता, सब नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग कितने सारी चीज़ें करते हैं, कभी कुछ ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। चलो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो गई, लेकिन आपने बहुत लोगों से सुना है कि कई बार ऐसा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पूरा एक दिन तक पेन सहना पड़ता है, उसके बाद बेबी होता है। किसी किसी को 24 घंटे, किसी को 12 घंटे पेन झेलना पड़ता है, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिसको आप 9 मंथ में स्टार्ट करोगे तो जब आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पेन उठेगा वो पेन आपको ज़्यादा टाइम तक झेलना नहीं पड़ेगा और इजीली आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। आपने बहुत लोगों से सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत लोगों किसी किसी का तो जल्दी बेबी बाहर निकल आता है और किसी किसी का क्या होता है, बहुत टाइम लेता है। तो क्या है वो नुस्खा? वो नुस्खा बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। नॉर्मली लोगों को मैंने जो पर्सनली देखा है कि सब नॉर्मल डिलीवरी ही चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी का पेन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बंदा कहने लगता है कि भाई मैं सीजन डिलीवरी कर दूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी का पेन नहीं झेल सकता। 1-2 घंटे या 3-4 घंटे आपने झेल लिया ठीक है, लेकिन किसी किसी को 24 घंटे झेलना पड़ता है, किसी किसी को 12 घंटे झेलना पड़ता है। तो वो जो पेन लगातार आपको पेन होता है 12 घंटे 24 घंटे अगर आप झेलोगे तो सोचो कि एक वूमेन की क्या हालत हो जाती होगी उस पेन को झेल झेल के। बहुत सी लेडीज़ में तो स्टेमिना ही ख़त्म हो जाता है पेन झेलने का, बल्कि वो लोग तो डॉक्टर से कहते हैं अब हम और पेन नहीं झेल सकते, आप हमारा सीजन डिलीवरी कर दो। बट अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी जाना चाहिए। लोग बाग तो तरसते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, बट आपको नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। सो इसलिए ही मैंने आज ये नुस्खा बताने जा रही हूँ। अगर आप ये नुस्खा 9 मंथ से ही स्टार्टिंग करेंगे तो बेबी डिलीवर होने में टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 या 5 आवर के अंदर आपका बेबी इजिली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। ये नहीं कि जो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, और जिस मंथ में मैं बता रही हूँ उसी मंथ में करिएगा जब आपका 8 मंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, 8 मंथ कंप्लीट हो गया, अब आपका क्या लगा, 9 मंथ लगा। 9 मंथ का 1 वीक जब निकल जाए, ठीक है, 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका 9 मंथ लग रहा है, 9 मंथ का 1 वीक जब आपका निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, 1 दिन में 2 बार 1 गिलास भर के दूध पीना है, सुबह नाश्ते के टाइम और रात को सोने से पहले या रात को इवनिंग में। ठीक है, सुबह खाली पेट दूध मत पीजिएगा कभी भी, कुछ खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए या 2 बिस्किट खा लीजिए, कुछ भी, या हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद आप दूध पी सकते हैं। बट आपको दूध क्या करना है, ठीक है, गर्मी का मौसम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडा दूध पियेंगे, ठंडा दूध नहीं पीना है। आपको क्या करना है, मिल्क को ल्यूक वार्म करना है। अगर आपको तेज गर्म दूध पीना पसंद है तो आप तेज कर सकते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर, लेकिन ठंडा दूध नहीं, या तो ल्यूक वार्म या तेज, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। कोई कोई गर्म गर्म दूध पीना ज़्यादा पसंद करता है, कोई ल्यूक वार्म पीना प्रेफर करता है, तो वो आपके ऊपर है। उसके बाद क्या करना है, 1 गिलास भर के आपने दूध लिया, उसको वार्म कर लिया, ठीक है, फिर 1 चम्मच में आपको घी लेना है, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, किसी भी चीज़ का घी हो, किसी भी चीज़ का, घर का निकला हुआ घी है, मार्केट का घी है, डजेंट मैटर, घी लेना है, कोई सा भी घी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 चम्मच भर के घी लेना है, उसको गैस के ऊपर घी को गर्म कर देना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब घी ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाता है, थोड़ी बहुत जलने जैसी स्मेल आती है ना घी की, वैसे ही जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उस घी को आप दूध में डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैंने आपको करके भी दिखाया है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 चम्मच में घी लिया है, आप देख सकते हैं मेरा घी जमा हुआ है, तो मैं गैस के ऊपर उसको गर्म कर रही हूँ। मैं तब तक गर्म कर रही हूँ जब तक पिघल ना जाए। अब आप देख रहे हैं कि मेरा घी अच्छे से पिघल गया है, तो मैंने इसको दूध में डाल रही हूँ। आप देखिए दूध में डालने के बाद कैसे ऊपर बबल्स आ गए, घी निकल के आ गए। अब घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चम्मच से अच्छे से चला लीजिए ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो घी अच्छे से मिक्स होगा नहीं क्योंकि नीचे नहीं बैठेगा, आप देख लेंगे मैंने चम्मच से चला दिया है। उसके बाद भी ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ऊपर घी तैर के आ गया है, आप देख सकते हैं ऊपर घी अच्छे से तैर के आ रखा है, बट आप इसको फिर भी चम्मच से एक बार चला, देखा मैंने घी को कितने अच्छे से गर्म करके दूध में डाल के मिक्स कर दिया है। अब आप जितनी बार वो दूध पियेंगे,
चम्मच से आप बार बार चलाते रहिएगा, फिर पीते रहिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप जब घी डाल के छोड़ देंगे तो ना घी ऊपर आ जाता है, तो आप पियेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठता जाएगा घी। तो आप जितनी बार भी पी रहे हैं, अगर सिप ले लेके पी रहे हैं, तो बार बार चलाते रहिए फिर पीजिए। हो सकता है बहुत से लोगों को ये वाला दूध पसंद नहीं आए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोग कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग सी आ रही है, बट बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी अपने प्रेगनेंसी के टाइम ये पिया था, और मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बट मैंने पिया था तो मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा था। डिपेंड करता है सबके टेस्ट के ऊपर, बट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है घी वाला दूध, तो आप ज़्यादा दूध मत पीजिए। थोड़ा सा, एक कप छोटा, एक कप ले लीजिए, एक छोटा कप ले लीजिए, उसमें घी डाल के पी लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, एक दिन में 2 बार ऐसा करना है, सुबह दूध पी लिया या रात को, या डिपेंड करता है किसी समय भी दूध पिया, लेकिन 2 बार दूध पीना है, और 2 बार घी को ऐसे ही डालिएगा। और गलती से भी हो सकता, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ घी लो और गर्म दूध में डाल दो, नहीं, घी को जैसे आपने देखा था कि मैंने चम्मच में घी को लेके अच्छे से गर्म किया था, गर्म घी ही डालना है, तब जाके आपको फायदा करेगा। अब तक आपकी डिलीवरी का टाइम पास नहीं आ जाता, जब तक डेट के पास नहीं आ जाता, तब तक आपको एक दिन में 2 बार इसको पीते रहना है। इससे क्या होगा, अगर आपका बेबी ऊपर भी है, यानी कि बेबी ने सर तो नीचे कर लिया है, लेकिन अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहते हैं ना, बेबी को नीचे आना बहुत ज़रूरी होता है, तो उससे क्या है, घी में चिकनापन होता है, तो बच्चा फिसल के जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम आपको ज़्यादा पेन झेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेबी आपका पहले से ही फिसल के नीचे आ रखा है, तो 1-2 घंटे या 3-4 घंटे के अंदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी, और ना ज़्यादा आपको पेन भी सहना पड़ेगा। ये नुस्खा करने से पहले जो मैंने आपको वीडियो में 1-2 बात बताई है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद, 9 मंथ का 1 वीक जब निकल जाए, उसके बाद ही पीना है, उससे पहले नहीं पीना है। अब आप ये पूछेंगे कि मैं उससे पहले पीने के क्यों मना कर रही हूँ। उससे पहले पीने के लिए मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आप 1 चम्मच भर भर के घी डाल रहे हो, ठीक है। बाई चांस आपका बेबी जल्दी नीचे निकल के आ गया, तो आप ऐसा चाहोगे कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए? नहीं ना, आप चाहोगे कि आपका बेबी अच्छे से डेवलप हो जाए। डेवलप तो वो हो गया है, लेकिन उसका वेट गेन अच्छे से हो जाए उसके बाद हो, क्योंकि कहते हैं 9 मंथ में जो बेबी का वेट होता है ना, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। तो बेटर है कि जितने अच्छे से आपका बेबी डेवलप हो जाए, अच्छे से बेबी आपका ग्रो हो जाए, उसके बाद डिलीवर हो तो बेटर है। और मैंने इसलिए भी कहा है कि 9 मंथ का 1 वीक निकल जाए, क्योंकि एकदम से 9 मंथ में इतनी क्या जल्दी है, जब आपने इतना 8 मंथ तक अपने बेबी को कैरी किया, थोड़ा और टाइम कैरी कर लो, इतनी क्या जल्दी है कि 9 मंथ लगते हैं दूध पीना है? नहीं ना, 9 मंथ का थोड़ा 1 वीक निकल जाए, उसके बाद आप पीना शुरू करो। बेबी को भी फायदा होगा, जो आप दूध तो पी रहे हो, घी से बेबी को भी फायदा होगा, और पेट में थोड़ा बहुत चिकनापन आएगा, जिससे बेबी फिसल के नीचे की तरफ आएगा। और जब आपके डिलीवरी का टाइम आएगा, अगर आपको पेन नहीं भी उठ रहे हैं, डॉक्टर से आप आर्टिफिशियल पेन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल पेन के बाद आपको ज़्यादा वेट ही नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपका बेबी फिसल के बाहर आ जाएगा। और आपने सुना डॉक्टर कहते हैं कि पुश करो पुश करो, मतलब पुश करने में भी यार बहुत मेहनत लगती है, ऐसा तो नहीं कि अच्छा जरा सा पुश किया बेबी बाहर निकल आया, नहीं। लेकिन अगर ये वाला आप नुस्खा अपनाओगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी पुश करने में, और बेबी इजिली बाहर आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा नुस्खा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, मैं अपनी वीडियो में जो भी आपको नुस्खा बताती हूँ, वो पहले मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा कुछ भी मैंने आपको नहीं बताया है जो आपको नुकसान करता होगा। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया है जो आपको नुकसान कर रहा है। और घी में दूध डाल के अगर आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बता रही हूँ, आप अपने दादा दादी या नाना नानी से भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी आपको यही बात बताएंगे। क्यों, कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि घी को दूध में डाल के पीने से उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप 2 चम्मच 3 चम्मच कर लीजिए, 3 चम्मच से ज़्यादा मत करिएगा। लेकिन जब पहले 1 चम्मच लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा भर के घी ले, आधा चम्मच ले लीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए, लास्ट में 3 चम्मच कर दीजिए, लेकिन 3 चम्मच से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और आपको क्या करना है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें घी की क्वांटिटी ना इंक्रीज कर दीजिए। पराठा खा रहे हैं, पराठा में अच्छे से घी लगा के खाइए। दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रही है, उसमें अच्छे से घी डाल के खाइए ताकि बॉडी में चिकनापन बना रहे। डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है, बट अगर आपके बॉडी में पहले से ही घी की मात्रा अच्छी रहेगी ना, आपको डिलीवरी के बाद ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे डिलीवरी के बाद बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरी बॉडी में अच्छा खासा घी था, वो मेरी बॉडी को रिकवर करने में मदद कर रहा था। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, जो भी खाना खाएंगे उसमें अच्छे से घी डाल के खाना खाइएगा। सो आई होप मेरी वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो बात मैंने आपको बताई है बहुत से लोगों को ये इस बारे में पता नहीं है, तो उनको भी आप बताइएगा ताकि उनको भी इस बारे में नॉलेज हो और उनकी भी हेल्प हो सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।